जन विजय ने एक और प्रश्न किया, हे दुजवर, नवरात्रे व्रत करने का क्या फल है और किस विधि से उसका पालन करना चाहिए, कृपा करके आप हमें बताएं। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और तभी से माता रानी के व्रत की व्यवस्था उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो रखना चाहते हैं व्रत। ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए पाठ करने के लिए नवरात्रे में, नवारण जो भी पाठ आप करना चाहें, सतचंडी, लखचंडी, सहस्त्र चंडी, मंत्रों का जाप कराना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहें, तो उसकी क्रमश या तो 11 या 5 या 3 अथवा 1 ब्राह्मण का भी वर्ण आप कर सकते हैं और सामर्थ्य अनुसार उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विदा करें। अधिक कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद उनका नहीं होता है, वो आशीर्वाद माँ देती है। और जितना आशीर्वाद ब्राह्मण आपको उस समय देकर जाएंगे जिन्होंने आपके यहाँ पाठ किया है, उतना ही आप जो है यशवान, धनवान, वैभववान, आप उतने ही संपन्न होते चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। सुख पाने की अभिलाषा हो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणी का निरंतर पूजन करते रहना चाहिए। शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका का भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने के लिए, दुख दरिद्र को दूर हटाने के लिए, संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती सांवी का सदा पूजन करना चाहिए। किसी कठिन कार्य की सिद्धि करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु दुख दे रहे हों तो उनका संहार करने के लिए माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। ये नवरात्रों में विशेषतः सिद्ध हो जाती है। महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की एक कथा है, एक निर्धन वैश्य, वह महान दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उसको पेट भरने लायक भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। बोलो राधे राधे। दरिद्रता ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो सोचता था, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि उसके जीवन में दुख थे। किसी ब्राह्मण के पास जाकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, बच्चे हैं, भोजन पाने के लिए वो तरसते रहते हैं, मैं उनको किस तरीके से सुख पहुँचा सकता हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ तो मुझे बताओ। बोलो राधे राधे। तब उन ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे महानुभाव, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन की दरिद्रता आपके जीवन से समाप्त हो जाए तो आपको नवरात्रे का व्रत करना चाहिए। ये जो नवरात्रे के व्रत हैं बड़े ही सुंदर हैं। भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। व्रत के श्रद्धा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तथा सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की प्राप्ति होती है तथा शत्रु के पैर भी नहीं टिकते जो माता रानी के नवरात्रों का व्रत करते हैं। उन्हें भगवान श्री राम ने भी ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ पर कि भगवान श्री राम ने भी माँ भगवती का पूजन किया है। प्रसंग याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रसंग कब का है, बोले सुनिए, ये प्रसंग है जब सीता मैया का हरण हो गया था
और भगवान श्री राम उस समय किष्किंधा में थे। उस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में थे, सीता माँ की खोज नहीं हो पा रही थी उन दिनों में। तो जब खोज नहीं हो पा रही थी तो उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने किष्किंधा में रहकर उन्होंने ये व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा का विधि विधान से पूजन करके उपासना करके उनको जनक नंदिनी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नवर जो भी चाहते हैं कि जगदम्बा का पूजन करें, व्रत करें इत्यादि इत्यादि। तो इस व्रत को करने से व्यास जी कहते हैं राजन ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया, साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उसने दीक्षा ले ली। फिर नवरात्रि व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने अपने जप आरंभ कर दिया और नव वर्ष के नवरात्रि के अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसको कृतकृत्य कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।